के चांद सितारों से बढ़कर है, जरा गौसे आजम का। पढ़ते हैं कि न चीनो जापान न जर्मनी की बात करो, न चीनो जापान न जर्मनी की बात करो, जिस कंपनी में बैठे हो उस कंपनी की बात करो। बात मत कीजिए, बस थोड़ी देर और मोहब्बत के साथ सुनिए। अल्लामा गुलाम मुहिद्दीन साहब चुल्ला हबीबी बैठे हुए हैं, कब से बैठे हुए हैं, जब से हैं तब से बैठे हुए हैं, मोहब्बतों से तमाम शोरा इकराम को नवाज रहे हैं, सुन रहे हैं हजरत शायर इस्लाम नकीब अहले सुन्नत शकील हिकमत साहब से। तमाम तर लोग बैठे हुए हैं, आप हजरात की मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं, मुबारकबाद के लायक है। आखिरी लम्हा है, मेरे पास वक्त नहीं है। बीवी ने एक मरतबा शौहर से पूछा कि अगर मैं मर जाऊं तो, बीवी ने शौहर से पूछा अगर मैं मर जाऊं तो, शौहर ने कहा मैं भी मर जाऊंगा। बीवी ने कहा ऐसा क्यों? कहा इसलिए कि इतनी बड़ी खुशी हम बर्दाश्त कर ही नहीं पाएंगे। आखिरी लम्हा है, बस अपनी नींद को भगाइए और अपनी सर्दी को भगाइए, बेदार हो जाइए। नहीं नहीं, दोबारा इशा विशा नहीं होता है, अगर दोबारा सुनना तो दूसरा सुनिए। एक मरतबा एक बीवी ने अपने शौहर से कहा कि दो ऐसे जुमले बोलिए जिससे एक से खुशी हो और एक से तकलीफ हो। शौहर ने कहा तुम मेरी जिंदगी हो। बहुत खुशी हुई, कहा बहुत अच्छा, और जुमला कहिए जिसमें थोड़ी सी तकलीफ हो, ज्यादा नहीं। कहा तुम मेरी जिंदगी हो, पहला जुमला है, लानत है इस जिंदगी पर। अगर आप बेदार हो गए हैं, नींद भाग गई है, सर्दी भाग गई है, तो पूरा मजमा हाथों को बुलंद करके बोलिए या रसूल अल्लाह। कहां से आता है?